नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। जयपुर में सूर्य सप्तमी पर क्रीड़ा भारती के आह्वान पर प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जयपुर के एल्बर्ट हॉल के बाहर रामनिवास बाग में भी बड़ी संख्या में लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार किया। क्रीड़ा भारती के राजस्थान क्षेत्र संयोजक मेघ सिंह ने बताया कि सूर्य सप्तमी के अवसर पर क्रीड़ा भारती की ओर से पूरे प्रदेश भर में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी के चलते राजस्थान में भी सभी जिलों में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में पिछले 2 वर्ष से 108 सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का शुरू किया हुआ है। यहाँ लगभग 550 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इसमें 8 वर्ष से लेकर 67 वर्ष की आयु के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार योग की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसे नियमित करने से 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यदि विद्यार्थी नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारी परंपरा, संस्कृति और दर्शन जीवंत होती है। यह सिर्फ एक आसन नहीं बल्कि विरासत के रूप में पूर्वजों की ओर से दिया गया अच्छे स्वास्थ्य का व्यायाम है। उन्होंने बताया कि निगम में हर दिन सुबह 9:30 बजे से 9:45 तक योगाभ्यास किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम प्रांत, सह संयोजक चालक डॉक्टर हेमंत सेठिया, महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रही। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।